और दोनों पैरों को सीधा 90 डिग्री पे ऐसे सीधा उठा देते हैं। ये अर्ध हलासन पेट के लिए, पीठ के लिए। और जिनको मोटापा बहुत अधिक है तो ये जल्दी जल्दी करते हैं अभ्यास, तो जिससे पेट का फैट बहुत जल्दी कम होता है। हाँ, नेक्स्ट अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को मोड़ लेते हैं और दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके अपने घुटनों को जो है दबाते हैं और घुटनों को छाती से लगाने का प्रयास करते हैं, नासिका को घुटनों से। आजकल गैस का जैसी की समस्या है, गैस की समस्या, पवन मुक्तासन तो गैस से इस समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। बहुत ही आपका अभ्यास है पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे, शवासन कर लेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। दोनों पैरों में लगभग एक फुट का फैसला, एड़ी अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देते हैं। क्या कर रहे हो, सेल्फी ले रहे हो यहाँ पे? यहाँ योग चल रहा है, तुम सेल्फी ले रहे हो? चलो सेल्फी पर फोटो भेजते हैं। यहाँ सेल्फी चल रही है, योग चल रहा है, सेल्फी ले रहे हो? आपको में अंजन करेंगे, उन्हें स्पर्श करेंगे हथेलियों को, कहाँ अपने देवदास ऊर्जा को। अरे सर, बाई तरफ से करवट लेकर के क्या हालचाल, उठ करके बैठते हैं। बाई ओर से करवट लेकर के उठ करके बैठ जाते हैं। प्राणायाम का अभ्यास। तुम सेल्फी तो ले रहे, योग चल रहा है, सेल्फी ले रहे, अरे क्या होता है ये? बिल्कुल सर, आप प्राणायाम में योग प्रोटोकॉल में अपारभक्ति प्राणायाम को रखा गया। अरे जय हिंद मैम, हम आपको देख ही नहीं पाए, कहाँ है हमारे सर? दूर हो करके दिव्य शक्ति दिव्य ऊर्जा है, कराया है, खत्म कर दिया आधा घंटा पहले ही। ये कमाल, 5:30 बजे पहुँच गए थे। कपाल भाति के अभ्यास के बाद अनुलोम विलोम नाड़ी शुद्ध, दाहिना हाथ ऐसे उठाएंगे और वायु मुद्रा में अभ्यास करेंगे। दाहिने कदली उंगली को अंगूठे के बोल में लगाते हैं, फिर वायु मुद्रा का और दाहिने हाथ का मुद्रा से दाहिने नासिका को बंद करते हैं और बाएं से श्वास को धीरे धीरे भरते हैं। यस, बीच वाली और आगे अनामिका उंगली से बाएं नासिका को ऐसे बंद करते हैं और दाहिने से श्वास को छोड़ते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। 72,72,10,201 नसनाड़ियों का शोधन कर रहे हैं। बाईं ओर चंद्र नाड़ी, दाहिनी तरफ सूर्य नाड़ी से हमारे बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी जुड़ी है, इन सभी सुषुम्ना नाड़ी से 72,72,10,201 नसनाड़ियां जुड़ी हुई हैं। हमारे सभी जो निष्क्रिय सेल्स हैं वो सक्रिय होने लगते हैं। हमारा लेफ्ट और राइट जो ब्रेन है, ब्रेन को शार्प करने के लिए, मेमोरी को शार्प करने के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है अनुलोम विलोम प्राणायाम। माइग्रेन पेन, स्ट्रेस तनाव को ठीक करने के लिए, बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए बहुत ही अद्भुत है अनुलोम विलोम प्राणायाम। आंखों के बालों की समस्याओं को ठीक करने के लिए ऐसे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास 3 से 5 मिनट का प्रतिदिन करना चाहिए। जिनको असाध्य समस्याएं हैं उनको आधे आधे घंटे, एक एक घंटे भी अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करके लाइलाज बीमारियों का भी हम इलाज कर सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। आइए अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास के बाद शीतली प्राणायाम का, शीतकारी शीतली
शीतली प्राणायाम, अपने शरीर को अंदर से शांत करने के लिए, गर्मी से राहत देने के लिए शीतली प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। प्राणायाम भीतर से आपको ठंडक पहुंचाएगा। आप कहीं वीरान जंगल में फंस गए हैं, पानी नहीं मिल रहा है, तो आप शीतली प्राणायाम करके अपनी प्यास को बुझा सकते हैं। इतना महत्वपूर्ण लाभकारी अभ्यास है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के बाद भ्रामरी उद्गीत के साथ आगे योग के प्रोटोकॉल को बढ़ाएंगे। भ्रामरी दो उंगुलियां मस्तक पे रखेंगे, तीन उंगुलियों को आंखों के पास और अंगूठे से कान बंद, लंबे गहरे श्वास को भर करके परमपिता परमेश्वर को ध्यान करते हुए ओम का नाद होगा भ्रमर की तरह ऐसे। इस प्रकार से भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे और अपने मुख पे स्पर्श करते हुए आइए समापन मंत्र करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आइए इसी भाव के साथ आज के कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलते हैं। हम सब आगे बढ़े जीवन में, हम सब स्वस्थ रहे, सुखी रहे, निरोग रहे और एक दूसरे का सहयोग। तीनों बच्चों को भी मंच पर रोक लीजिएगा, बाद में एक ग्रुप फोटो हो जाएंगे। अर्पित आगे आइए बेटा, एक बार जोरदार तालियां अर्पित के लिए भी। और तीसरा स्थान आर्यन का है, एक बार जोरदार तालियां आप लोगों की सभी की आर्यन के लिए। और अब तीनों बच्चे सामने की तरफ एक साथ आ जाएंगे, एक ग्रुप फोटो हमारे अधिकारी गणों के साथ में हो जाएगी। बेटा सर्टिफिकेट आगे की तरफ, हाँ ऐसे कर लीजिए, ठीक है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मूल भाव भी है, उसको हम आगे लेकर जाएंगे और संकल्प लेंगे कि उन्नाव जनपद में हम लोग एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन करते हुए कि पूरे विश्व में जो ये दिवस मनाया जा रहा है, प्रत्येक कोने में, प्रत्येक देश में, प्रत्येक शहर में, उसमें अपना भी हम लोग योगदान देंगे। अब मैं सर से आग्रह करूंगा कि सर हम सबका सूक्ष्म मार्गदर्शन में कष्ट करें। धन्यवाद। योगाचार्य जी, सभी साथियों, ये तीसरा साल है जब मैं गाँव में योग दिवस के अवसर पर आ रहा हूँ। खुशी की बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भाग ले रहे हैं और मुझे एक ही बात कहनी है, ज़्यादा तो कहना है, योगा इज वे ऑफ लाइफ, ये जीने का तरीका हमें बनाना चाहिए। रोज़ योगा करने के अलावा सोचने में भी, काम में भी, ऑफिस में भी और अंतरा